नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। एलनाबाद उपचुनाव हो चुके हैं और एलनाबाद उपचुनाव में 3 लगातार नए रिकॉर्ड जो है वो बनने का काम हुआ है। पहला रिकॉर्ड क्या हुआ है कि अभय सिंह चौटाला लगातार 4 बार विधायक बनने वाले, एलनाबाद से विधायक बनने वाले नेता बन चुके हैं। दूसरा रिकॉर्ड क्या बना है कि अभय सिंह चौटाला परिवार से 3 उपचुनाव जीतने वाले नेता बन चुके हैं, तीसरे नेता बन चुके हैं। इससे पहले चौधरी देवीलाल 3 उपचुनाव जीत चुके हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 3 उपचुनाव जीत चुके हैं, तो अब अभय सिंह चौटाला भी जो है वो 3 उपचुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करूं तो दूसरे और क्या रिकॉर्ड बने हैं, कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल और भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के सांझे प्रत्याशी गोविंद कांडा, दोनों ने चुनाव हारने की हैट्रिक लगा दी है। यानी कि पवन बेनीवाल भी इससे पहले 2 चुनाव हार चुके थे, गोविंद कांडा भी इससे पहले 2 चुनाव हार चुके थे। ये चुनाव हारने के बाद दोनों ने हैट्रिक लगा दी, तो अभय सिंह चौटाला ने 4 ट्रिक लगा दी और उपचुनाव जीतने की अभय चौटाला ने भी हैट्रिक लगा दी। ये तो इस उपचुनाव की खासियत थी। अब इस उपचुनाव को भले ही अभय सिंह चौटाला ने 6,807 वोटों से जीता हो, लेकिन अभय चौटाला का लगातार एक ही कहना है कि पूरा सरकारी तंत्र मंत्र जो जितने भी इनसे जाप किए जाते थे पैसे के इस खुले खेल के अंदर, जब एलनाबाद की जनता ने 6,807 वोटों से उन्हें जिता करके भेजा है, तो यह जीत उनकी नहीं, किसानी की जीत है, किसानों की जीत है, किसान आंदोलन की जीत है। यह शुरुआत से ही वो कहते आए थे कि उनका चुनाव नहीं है, किसानों का चुनाव है, अगर हारते हैं तो किसानों की हार होगी, जीतते हैं तो किसानों की जीत होगी। चलिए, उसके बाद आज मेरा यहां पर आपके सामने समक्ष आने का मकसद क्या है, मैंने पेन और कुछ हाथ में ले रखे हैं, तो इसका खास तौर पे अगर मैं मकसद बताना चाहूं तो मकसद यही है कि लगातार लोगों के फोन कॉल आ रहे हैं कि हमें अलग अलग गांव की अलग अलग डिटेल बताइए। तो वो डिटेल, अलग अलग गांव की अलग अलग डिटेल लेकर के आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं। वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन जिस भी गांव का आप आंकलन करना चाहते हैं, जिस भी गांव की डिटेल आप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरे गांव का, तीनों प्रत्याशियों का पूरा चिट्ठा हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। कौन सा प्रत्याशी किस गांव से विजयी रहा, कितने वोटों से विजयी रहा, अभय चौटाला और गोविंद कांडा के बीच का कितना मार्जिन रहा, अभय चौटाला और पवन बेनीवाल के बीच वोटों के बीच कितना मार्जिन रहा, पवन बेनीवाल और अभय गोविंद कांडा के वोटों का बीच कितना मार्जिन रहा, वो हम पूरी डिटेल आपको बिल्कुल आसान तरीके से, आसान भाषा में बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अमृतसर कला से। अमृतसर कला में अभय चौटाला 337 वोट हासिल करते हैं, 102 वोट गोविंद कांडा को मिलते हैं, 310 वोट पवन बेनीवाल को मिलते हैं। टोटल 749 वोट जो है वो यहाँ पे इन तीनों प्रत्याशियों को मिलते हैं। इनमें इंडिपेंडेंट है या दूसरी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो अलग हैं, उनका भी हम आपको बताएंगे कि उनको टोटल कितने वोट मिले। अगर बात करें तो अभय चौटाला और पवन बेनीवाल के बीच 27 वोटों का अंतर रहा है, अभय चौटाला और गोविंद कांडा के बीच 235 वोटों का अंतर रहा है। यानी कि 27 वोटों से अभय चौटाला जो है वो पवन बेनीवाल से जीते हैं, पवन बेनीवाल दूसरे नंबर पे रहे हैं, यहां गोविंद कांडा तीसरे पे रहे हैं। अमृतसर खुर्द की बात करें तो 240 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 111 वोट गोविंद कांडा को मिलते हैं, 313 वोट पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 664 वोट तीनों के टोटल हो जाते हैं। 73 वोटों का अंतर जो है वो अभय चौटाला और पवन बेनीवाल के बीच रहता है, पवन बेनीवाल 73 वोटों से विजयी होते हैं अमृतसर खुर्द गांव में। 129 वोटों का फासला अभय चौटाला और गोविंद कांडा के बीच यहाँ पे रहता है। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं, किसी भी गांव का कोई भी आंकड़ा नोट करना चाहते हैं, तो आप पेन और कागज हाथ में लीजिएगा और बैठ जाइएगा, क्योंकि बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। अरनिया वाले गांव की बात करें तो 1397 वोट अभय सिंह चौटाला को मिलते हैं, 951 वोट गोविंद कांडा को मिलते हैं और 271 वोट पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 2619 वोट इनको मिलते हैं, 446 वोटों से
अभय सिंह चौटाला जो है वो गोविंद कांडा से जीत जाते हैं, यानी कि दो नंबर पे गोविंद कांडा रहते हैं। बकरियां वाले की बात करूं तो 1267 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 1089 यानी कि 1090 वोट जो है वो गोविंद कांडा को मिलते हैं, 204 वोट पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 2560 टोटल इनके वोट हो जाते हैं। 178 वोटों से अभय चौटाला गोविंद कांडा से यहां पे विजयी रहते हैं, आगे रहते हैं। अब अगर बात करूं तो बरुवाली सेकंड, इसमें 343 वोट अभय चौटाला को, 127 वोट गोविंद कांडा को, 165 वोट पवन बेनीवाल को, टोटल 635 वोट इन तीनों प्रत्याशियों को मिलते हैं। और 216 वोट से जो है वो गोविंद कांडा से अभय चौटाला जो है वो आगे रहते हैं, और 178 वोट से पवन बेनीवाल से अभय चौटाला आगे रहते हैं, यानी कि इस गांव में पवन बेनीवाल दूसरे स्थान पे रहते हैं। अब अगर बात करूं तो बेहरवाला खुर्द गांव से 998 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 741 वोट जो है वो गोविंद कांडा को मिलते हैं, पवन बेनीवाल को महज 141 वोट मिलते हैं। अभय चौटाला और गोविंद कांडा के वोटों के बीच का फासला 257 वोटों का है, 257 वोटों से अभय चौटाला यहां से जीतते हैं। अब अगर बात करें तो भुल्टवाला काफी संशय जो है वो बरकरार था, शंकाएं जाहिर की जा रही थी, अनुमान लगाए जा रहे थे भुल्टवाला गांव पे, तो भुल्टवाला गांव से 1219 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 1233 वोट गोविंद कांडा को मिलते हैं, 371 वोट पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 14 वोटों से गोविंद कांडा अभय चौटाला से आगे रहते हैं भुल्टवाला गांव के अंदर। बरासरी की बात करें तो 828 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं और 697 वोट जो है वो पवन गोविंद कांडा को मिलते हैं। बरासरी से 828 वोट अभय चौटाला, 697 वोट गोविंद कांडा, 224 वोट जो है वो पवन बेनीवाल को मिलते हैं। 131 वोटों का अभय चौटाला और गोविंद कांडा के बीच जो है वो फासला रहता है। अब अगर बात करें तो बुड्ढी मेढ़ी आ जाता है, बुड्ढी मेढ़ी से 195 वोट जो है वो अभय चौटाला को मिलते हैं, 223 वोट जो है वो गोविंद कांडा को मिलते हैं, 221 वोटों की अगर बात करें तो वो पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 639 वोट टोटल मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करूं तो बुड्ढी मेढ़ी गांव में 26 वोट का फासला अभय चौटाला और पवन बेनीवाल के बीच जो है वो रहता है, और पवन बेनीवाल और गोविंद कांडा की अगर बात करें तो वो 28 वोटों का फासला जो है वो रहता है। अब यहां पे अगर बात करूं तो पवन बेनीवाल जो है वो जीतते हैं, यहां पे पवन बेनीवाल जो है वो इस बुड्ढी मेढ़ी गांव के अंदर दूसरे स्थान पे रहते हैं, यानी कि 221 वोट उनको मिलते हैं और 223 वोट गोविंद कांडा को मिलते हैं। तो 2 वोट से गोविंद कांडा जो है वो बुड्ढी मेढ़ी से जीतते हैं और अभय चौटाला से गोविंद कांडा जो है वो 28 वोटों से आगे रहते हैं। अब अगर बात करूं तो चाहरवाला गांव की, चाहरवाला से 1767 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 1060 वोट गोविंद कांडा को मिलते हैं, 395 वोट पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 707 वोटों से अभय चौटाला गोविंद कांडा से आगे रहते हैं। अब अगर बात करूं तो दया सिंह थेर से 452 वोट जो है वो अभय चौटाला को मिलते हैं, 122 वोट पे गोविंद कांडा, 127 वोट पे अगर बात करूं तो पवन बेनीवाल, 330 वोटों से अभय चौटाला जो है वो गोविंद कांडा से आगे रहते हैं। दड़बा कला की अगर बात करें तो 852 वोट जो है वो अभय चौटाला को मिलते हैं, 288 वोट गोविंद कांडा को मिलते हैं, 1639 वोट पवन बेनीवाल को मिलते हैं, ये उनका खुद का गांव है, 1639 वोट मिलते हैं। 787 वोट से पवन बेनीवाल जो है वो इस दड़बा गांव के अंदर, दड़बा कला के अंदर आगे रहते हैं अभय चौटाला से। अब अगर बात करूं तो अभय चौटाला और गोविंद कांडा के वोटों का मार्जिन कितना है, तो 564 वोटों से अभय चौटाला गोविंद कांडा से आगे यहां पे इस दड़बा कला गांव के अंदर रहते हैं।
डानी लख जी की बात करें तो 958 वोट जो है वो अभय चौटाला को मिलते हैं, 841 वोट गोविंद कांडा को मिलते हैं, 345 वोट पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 177 वोटों से अभय चौटाला गोविंद कांडा से आगे रहते हैं। धानी मोजूवाली से बात करूं तो 360 वोट अभय चौटाला को, 401 गोविंद कांडा को, 176 पवन बेनीवाल को, 41 वोटों से गोविंद कांडा जो है वो धानी मोजूवाली से विजयी रहते हैं। धानी नायकों वाली की बात करें तो 153 वोट अभय चौटाला को, 134 वोट गोविंद कांडा को, 97 वोट जो है वो पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 19 वोटों से अभय चौटाला गोविंद कांडा से जीतते हैं। धानी संता सिंह की अगर बात करें तो 146 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 116 वोट जो है वो गोविंद कांडा को मिलते हैं। धानी संता सिंह से 146 वोट अभय चौटाला और 116 वोट जो है वो गोविंद कांडा, 23 वोट अभय पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 30 वोटों से गोविंद कांडा से अभय चौटाला आगे रहते हैं। धानी शेरा की बात करें तो 323 वोट अभय चौटाला को, 666 वोट गोविंद कांडा को, 31 वोट महज जो है वो पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 343 वोटों से गोविंद कांडा जो है वो धानी शेरा से आगे रहते हैं। धौलपालिया की अगर बात करें तो 926 वोट अभय चौटाला को, 1458 वोट गोविंद कांडा को, 110 वोट पवन बेनीवाल को, 532 वोटों से गोविंद कांडा यहां से आगे रहते हैं। डोकड़ा गांव की बात करें तो डोकड़ा गांव से 1217 वोट अभय चौटाला को, 1210 वोट पवन गोविंद कांडा को और 258 वोट पवन बेनीवाल को, तो यहाँ पे 7 वोट से अभय चौटाला डोकड़ा गांव से आगे रहते हैं। अब अगर बात करूं तो गंजा रुपाना गांव की, गंजा रुपाना से 571 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 379 वोट गोविंद कांडा को मिलते हैं, 260 वोट जो है वो पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 192 वोटों से अभय चौटाला यहां से आगे रहते हैं। गिगो रानी की बात करें तो 1027 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 624 वोट अगर बात करें तो गोविंद कांडा को मिलते हैं, 182 वोट पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 403 वोट से अभय चौटाला यहां से आगे रहते हैं। गुड़िया खेड़ा की बात करें जो कि काफी कयास जो है वो गुड़िया खेड़ा गांव पे भी लगाए जा रहे थे, 1528 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं और 964 वोट गोविंद कांडा को, 198 वोट जो है वो पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 564 वोट से अभय चौटाला जो है वो गुड़िया खेड़ा से आगे रहते हैं। अब अगर बात करूं तो गुसाईयाना की बात करूं तो 727 वोट जो है वो अभय चौटाला को मिलते हैं, 681 वोट गोविंद कांडा को, केवल 98 वोट जो है वो अभय पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 46 वोट से अभय चौटाला गोविंद कांडा से आगे रहते हैं। अगर बात करूं तो हुमायूं खेड़ा की, हुमायूं खेड़ा गांव के अंदर अगर बात करें तो 274 वोट जो है वो अभय चौटाला को मिलते हैं, 57 वोट जो है वो गोविंद कांडा को मिलते हैं, 107 वोट पवन बेनीवाल को मिलते हैं, यानी कि यहां पे पवन बेनीवाल दूसरे नंबर पे रहते हैं, 217 वोटों से अभय चौटाला जो है वो गोविंद कांडा से जो है वो आगे रहते हैं। अब अगर बात करूं तो हंजीरा की, हंजीरा गांव से 773 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 1012 वोट जो है वो गोविंद कांडा को मिलते हैं, 249 वोट जो है वो पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 239 वोटों से गोविंद कांडा हंजीरा गांव से आगे रहते हैं। अब अगर बात करूं तो जमाल जो कि बड़े गांव में शुमार है और जमाल गांव को लेकर के बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी, जमाल काफी सेंसिटिव जोन जो है वो हाई प्रोफाइल जोन में रखा गया था, उसमें 2543 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 2206 वोट यानी कि डिफरेंस आ गया, आपको पता लग गया होगा कि अभय चौटाला यहां से आगे रहे जीते हैं, 2206 वोट गोविंद कांडा को मिले हैं और 658 वोट जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल को मिले हैं, 337 वोटों से अभय चौटाला ने जमाल गांव से बढ़त बनाई है। जसानिया गांव की बात करें तो 498 वोट अभय चौटाला को मिले हैं, 375 गोविंद कांडा को, 51 वोट जो है वो पवन बेनीवाल को मिले हैं, 123 वोटों से अभय चौटाला गोविंद कांडा से आगे रहे हैं।
जसानिया के बाद जोगी वाला गांव की अगर बात करें तो जोगी वाला गांव में 864 वोट जो है वो अभय चौटाला को मिले हैं, 885 वोट गोविंद कांडा को मिले हैं, 221 वोट जो है वो पवन बेनीवाल को मिले हैं और 21 वोटों की बढ़त से गोविंद कांडा इस गांव में पहले नंबर पे रहे हैं। अब अगर बात करूं तो जोड़कियां या जोड़ियां दोनों ही बोल देते हैं, जोड़किया गांव से 512 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 311 वोट जो है वो अब गोविंद कांडा को मिलते हैं, 100 वोट केवल जो है वो पवन बेनीवाल को मिलते हैं और 201 वोटों से अभय चौटाला यहां से जीत दर्ज करते हैं। कागदाना काफी कयास कागदाना पे भी लगाए जा रहे थे, जो भी पार्टी अपना कार्यक्रम शुरू करती थी तो वो कागदाना से शुरू करती थी। अभय चौटाला कह रहे थे कि ये उनका गढ़ है, ये गढ़ नहीं टूटेगा, तो कहीं ना कहीं कागदाना से गढ़ जो है वो तोड़ने का काम जो है वो कर दिया गया है। 1070 वोट जो है वो कागदाना से अभय चौटाला को मिले हैं, 1231 वोट गोविंद कांडा को मिले हैं और 403 वोट जो है वो पवन बेनीवाल को मिले हैं। 161 वोटों से गोविंद कांडा यहां से विजयी रहे हैं कागदाना से, जिसे अभय चौटाला अपना गढ़ बता रहे थे। करमशाना की बात करें तो 517 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 481 वोट की अगर बात करें तो गोविंद कांडा को मिलते हैं, 304 वोट जो है वो पवन बेनीवाल को मिलते हैं और 36 वोट से अभय चौटाला आगे रहते हैं। इसके बाद अगर बात करूं तो काशीराम का बास में 802 वोट जो है वो अभय चौटाला को मिलते हैं, 603 वोट गोविंद कांडा को, 120 वोट पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 199 वोटों से अभय चौटाला जो है वो गोविंद कांडा से आगे रहते हैं। केशुपुरा की अगर बात करें तो 703 वोट जो है वो अभय चौटाला को मिलते हैं, 506 वोट गोविंद कांडा को मिलते हैं, 278 वोट पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 197 वोटों से अभय चौटाला जो है वो यहाँ पे आगे रहते हैं। खारी सुरेरा की बात करें तो 1082 वोट जो है वो अभय चौटाला को मिलते हैं, 886 वोट जो है वो गोविंद कांडा को मिलते हैं, 180 वोट पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 196 वोटों की बढ़त जो है वो अभय चौटाला को यहाँ से खारी सुरेरा गांव से मिलते हैं। खारी सुरेरा गांव वो गांव है जो कि भागीराम चौधरी भागीराम जो है वो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, उनका गांव है, उस गांव से 196 वोटों से अभय चौटाला आगे रहते हैं। खेड़ी की बात करें, खेड़ी गुसाइयाना गांव की बात करें तो 970 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 362 वोट जो है वो अभय गोविंद कांडा को मिलते हैं, 212 वोट पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 608 वोटों की बढ़त खेड़ी गांव से अभय चौटाला को मिलती है गोविंद कांडा से। अब अगर बात करूं तो किशनपुरा गांव में 805 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 646 वोट गोविंद कांडा को मिलते हैं, 64 वोट जो है वो पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 159 वोटों की बढ़त जो है वो अभय चौटाला को यहां से किशनपुरा गांव से मिलती है। कोटली गांव की बात करें तो 177 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 135 वोट गोविंद कांडा को मिलते हैं, 81 वोट पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 42 वोटों से अभय चौटाला जीतते हैं। कुमारिया गांव आ जाता है। कुमारिया गांव की बात करें तो जननायक जनता पार्टी के 2019 में प्रत्याशी रहे ओपी सिहाग का ये कुमारिया गांव है, पैतृक गांव है। उनके गांव में किस तरह का रुझान देखने को मिला है तो वो जान लेते हैं। 965 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 450 वोट गोविंद कांडा को मिलते हैं, 234 वोट पवन बेनीवाल को मिलते हैं और 515 वोटों की बढ़त गोविंद कांडा से अभय चौटाला जो है वो कुमारिया गांव से लेते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कुमथल गांव से अभय चौटाला को 652 वोट मिलते हैं, जबकि 185 वोटों पे गोविंद कांडा सिमट जाते हैं, 233 वोट जो है वो पवन बेनीवाल लेते हैं, यानी कि इस गांव के अंदर दूसरे नंबर पे पवन बेनीवाल रहते हैं। और
अगर बात करूं तो अभय चौटाला और गोविंद कांडा के वोटों की, तो 467 वोटों से अभय चौटाला गोविंद कांडा से आगे रहते हैं, 419 वोटों से अभय चौटाला जो है वो पवन बेनीवाल से आगे रहते हैं इस गांव के अंदर। कुतियाना गांव की बात करूं तो कुतियाना गांव में 467 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 332 वोट गोविंद कांडा को मिलते हैं, 175 वोट जो है वो पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 135 वोटों का मार्जिन जो है वो अभय चौटाला को यहां से मिलता है। कुत्ताबंड गांव की अगर बात करूं तो 1210 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 697 वोट गोविंद कांडा को, 373 वोट पवन बेनीवाल को, 513 वोटों की बढ़त कुत्ताबड़ से अभय चौटाला को मिलती है। लुधेसर गांव की बात करूं तो 1029 वोट जो है वो अभय चौटाला को मिलते हैं, 454 वोट गोविंद कांडा को मिलते हैं, 260 वोट जो है वो पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 575 वोटों का मार्जिन अभय चौटाला को इस गांव से मिलता है लुधेसर गांव से। माधो सिंघाना की बात करूं तो 2272 वोट जो है वो अभय चौटाला को मिलते हैं। माधो सिंघाना भी बड़े गांव में शुमार होता है, बड़े गांव में शामिल है एलनाबाद विधानसभा के। माधो सिंघाना से अगर बात करें तो 2272 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 1768 वोट जो है वो गोविंद कांडा को मिलते हैं, 944 वोट जो है वो पवन बेनीवाल को मिलते हैं और 504 वोटों का मार्जिन जो है वो अभय चौटाला को माधो सिंघाना गांव से मिलता है। माखोसरानी गांव की बात करें तो 870 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 716 वोट गोविंद कांडा को मिलते हैं, 235 वोट जो है वो पवन बेनीवाल को मिलते हैं और 154 वोटों की बढ़त जो है वो अभय चौटाला को माखोसरानी गांव से मिलती है। अब अगर मल्लेकल गांव की बात करें तो मल्लेकल गांव से 1417 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, जबकि 1280 वोट अभय गोविंद कांडा को मिलते हैं और 1235 वोट पवन बेनीवाल को मिलते हैं। 182 वोटों का मार्जिन अगर बात करें तो पवन बेनीवाल और अभय चौटाला के बीच है। गोविंद कांडा से 137 वोटों से अभय चौटाला जो है वो इस मल्लेका गांव से मार्जिन लेकर के आगे आए हैं। ममेरा खुर्द की बात करूं तो 402 वोट जो है वो अभय चौटाला को मिले हैं और 344 वोट गोविंद कांडा को मिले हैं, 33 वोट केवल पवन बेनीवाल को मिले हैं, 58 वोटों का मार्जिन जो है वो ममेरा खुर्द गांव से जो है वो अभय चौटाला को मिला है। ममेरा कला की बात करें तो 927 वोट अभय चौटाला को मिले हैं, 636 वोट पवन गोविंद कांडा को मिले हैं, 195 वोट अगर बात करें तो पवन बेनीवाल को मिले हैं और 291 वोटों का मार्जिन अभय चौटाला को यहां से मिला है। गोविंद कांडा दूसरे स्थान पर रहे हैं, यानी कि गोविंद कांडा से 291 वोट ममेरा कला गांव से जो है वो अभय चौटाला को फालतू मिले हैं। मैना खेड़ा की बात करें तो 813 वोट अभय चौटाला को मिले हैं, 332 वोट गोविंद कांडा को मिले हैं, 169 वोट पवन बेनीवाल को मिले हैं और अगर बात करें तो 481 वोट का मार्जिन जो है वो अभय चौटाला को गोविंद कांडा के से ज्यादा जो है वो मैनाखेड़ा गांव के अंदर मिला है। मिर्जापुर की अगर बात करें तो मिर्जापुर गांव से 283 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 233 वोट गोविंद कांडा को मिलते हैं, 390 वोट जो है वो पवन बेनीवाल को मिलते हैं, यानी कि मिर्जापुर गांव से पवन बेनीवाल जो है वो एक नंबर पे रहते हैं, विजयी रहते हैं। 107 वोटों से आगे पवन बेनीवाल जो है वो यहां से रहते हैं। पवन बेनीवाल 107 वोटों से अभय चौटाला से जीतते हैं, आगे रहते हैं और अभय चौटाला और पवन गोविंद कांडा के वोटों के मार्जिन की बात करें तो 50 वोटों से अभय चौटाला गोविंद कांडा से इस गांव से मिर्जापुर गांव से आगे रहे हैं। मिठनपुरा की बात करें तो 668 वोट जो है वो अभय चौटाला को मिले हैं, 584 वोट अगर बात करें तो गोविंद कांडा को मिले हैं,
249 वोट जो है वो पवन बेनीवाल को मिले हैं और 84 वोट जो है वो गोविंद कांडा से अभय चौटाला को ज्यादा मिले हैं। मिठनपुरा गांव में मिट्टी सुनेरा वो गांव है जो कि नितासा सिहाग का गांव है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद कांडा के भाई गोपाल कांडा के साथ लगातार भाजपा जसपा प्रत्याशी को जिताने में लगातार जो है वो मेहनत कर रही थी, दौड़ धूप कर रही थी, उनका गांव है। तो उनके गांव का हालात क्या है वो जान लेते हैं। मिट्टी सुरेरा में 1079 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 783 वोट जो है वो गोविंद कांडा को मिलते हैं और 174 वोट पवन बेनीवाल को मिलते हैं। तो 296 वोट जो है वो अभय चौटाला इस गांव से लीड लेकर के जाते हैं मिट्टी सुरेरा गांव से। मोजूखेड़ा की बात करें तो मोजूखेड़ा से 628 वोट जो है वो अभय चौटाला को मिलते हैं, 279 वोट गोविंद कांडा को मिलते हैं, 382 वोट पवन बेनीवाल को मिलते हैं। यानी कि पवन बेनीवाल मोजूखेड़ा गांव के अंदर दूसरे स्थान पर रहते हैं। 246 वोटों का मार्जिन जो है वो अभय चौटाला और पवन बेनीवाल के बीच रहता है। 349 वोटों का मार्जिन जो है वो अभय चौटाला और गोविंद कांडा के बीच रहता है। यहाँ पे अभय चौटाला जो है वो 349 वोटों की बढ़त जो है वो लेते हैं गोविंद कांडा से। अब अगर बात करूं तो मुसली गांव की अगर बात करूं तो 183 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 60 वोट जो है वो गोविंद कांडा को मिलते हैं, 64 वोट जो है वो अभय पवन बेनीवाल को मिलते हैं। यानी कि पवन बेनीवाल और गोविंद कांडा के वोटों का मार्जिन 4 का ही है, 4 वोट जो है वो पवन बेनीवाल ने यहाँ पे फालतू लिए हैं गोविंद कांडा से। अब अगर बात करूं तो पवन बेनीवाल जो है दूसरे स्थान पर रहे हैं। यहाँ पे पवन बेनीवाल और अभय चौटाला के वोटों का मार्जिन 119 है और अभय चौटाला और गोविंद कांडा के वोटों का मार्जिन यहाँ पे 123 है। यानी कि 123 वोटों की बढ़त अभय चौटाला को इस गांव से भी मिली है बजाय कि गोविंद कांडा के। नाथूसरी कला की अगर बात करें तो 1427 वोट जो है वो अभय चौटाला को मिले हैं, 1837 वोट गोविंद कांडा को मिले हैं, 274 वोट पवन बेनीवाल को मिले हैं, 410 वोटों की बढ़त जो है वो गोविंद कांडा को यहां से नाथूसरी कला गांव से मिली है। अब अगर बात करूं तो नीमला गांव की अगर बात करें तो नीमला गांव से 1174 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 949 वोट जो है वो गोविंद कांडा को मिलते हैं, 138 वोट जो है वो पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 225 वोट जो है वो अभय चौटाला को यहां से ज्यादा मिलते हैं बजाय गोविंद कांडा के। निर्बाण गांव की बात करूं तो 809 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 506 वोट जो है वो पवन गोविंद कांडा को मिलते हैं और 192 वोट जो है वो पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 303 वोट जो है वो अभय चौटाला को यहां से फालतू मिलते हैं गोविंद कांडा से। प्रताप नगर की बात करूं तो 429 वोट जो है वो अभय चौटाला को मिलते हैं, 376 वोट जो है वो गोविंद कांडा को मिलते हैं, 173 वोट जो है वो यहाँ पे पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 53 वोटों का मार्जिन जो है वो अभय चौटाला गोविंद कांडा से ज्यादा लेकर के यहाँ से आगे निकलते हैं। पट्टी किरपाल की अगर बात करूं तो 218 वोट गोविंद अभय चौटाला को मिलते हैं, 22 वोट गोविंद कांडा को, केवल 22 वोट किरपाल पट्टी में गोविंद कांडा को मिलते हैं, 108 वोट जो है वो पवन बेनीवाल को यहां पे मिलते हैं। अगर अभय चौटाला और पवन बेनीवाल की बात करूं तो 110 वोटों का मार्जिन अभय चौटाला का ज्यादा है पवन बेनीवाल से और 196 वोटों का मार्जिन जो है वो अभय चौटाला और गोविंद कांडा के बीच रहा है। यहाँ पे पट्टी किरपाल की अगर बात करूं तो पवन बेनीवाल दूसरे स्थान पर रहे हैं। अब अगर पोड़का गांव की बात करूं तो 1614 वोट अभय चौटाला को मिले हैं, 1330 वोट गोविंद कांडा को मिले हैं, 341 वोट जो है वो पवन बेनीवाल को मिले हैं, 284 वोटों से अभय चौटाला जो है वो यहां से आगे रहे हैं। रायपुर की बात करूं तो 512 वोट अभय चौटाला को मिले हैं, 325 वोट जो है वो
पवन गोविंद कांडा को मिले हैं, 130 वोट पवन बेनीवाल को मिले, 187 वोटों का मार्जिन अभय चौटाला और गोविंद कांडा का रहा है। राजपुरा साहनी में काफी जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, 284 वोट जो है वो अभय चौटाला को मिले, 282 वोट गोविंद कांडा को मिले, 33 वोट पवन बेनीवाल को मिले। 2 वोटों से अभय चौटाला राजपुरा साहनी गांव में गोविंद कांडा से आगे रहे हैं। रामपुरा बगड़िया की बात करें तो यहाँ पे भी मार्जिन बहुत कम है। रामपुरा बगड़िया में 435 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 400 वोट गोविंद कांडा को मिलते हैं और 79 वोट जो है, एक कम 80 वोट जो है वो पवन बेनीवाल को मिलते हैं। पवन अभय चौटाला और गोविंद कांडा के बीच मार्जिन 35 वोट का रहता है, 35 वोट अभय सिंह चौटाला को ज्यादा मिलते हैं, लीड मिलती है। रामपुरा डिल्लो की बात करें तो 1113 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 1057 वोट गोविंद कांडा को मिलते हैं, 225 वोट पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 56 वोट जो है वो अभय चौटाला की लीड रहती है गोविंद कांडा से। रंधावा से अगर बात करें तो 449 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 865 वोट जो है वो गोविंद कांडा को मिलते हैं, 326 वोट पवन बेनीवाल को भी मिलते हैं, 416 वोटों से गोविंद कांडा इस गांव से आगे रहते हैं अभय चौटाला से। अब अगर बात करें रत्ताखेड़ा की तो रत्ताखेड़ा से 477 वोट जो है वो अभय चौटाला को मिलते हैं, 192 वोट गोविंद कांडा को मिलते हैं, 451 वोट जो है वो पवन बेनीवाल को मिलते हैं। पवन बेनीवाल जो है वो यहाँ से अभय चौटाला से दूसरे स्थान पर रहते हैं। अभय चौटाला का और पवन बेनीवाल के वोटों का अंतर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 26 वोटों का अंतर जो है वो इनका रह जाता है। अब अगर बात करूं तो गोविंद कांडा से अभय चौटाला जो है वो रत्ताखेड़ा गांव से 285 वोटों से आगे रहते हैं, लीड में रहते हैं। रूपाना बिश्नोईया की बात करूं तो 500 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 319 वोट जो है वो गोविंद कांडा को मिलते हैं, 55 वोट जो है वो पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 181 वोटों की बढ़त जो है वो अभय चौटाला जो है गोविंद कांडा से यहां से लेते हैं। रूपाना उर्फ दड़बा खुर्द, रूपाना उर्फ दड़बा खुर्द की अगर बात करें तो 619 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 626 वोट गोविंद कांडा को मिलते हैं, 317 वोट पवन बेनीवाल को मिलते हैं और 7 वोटों से गोविंद कांडा रूपाना गांव से या दड़बा खुर्द गांव से आगे रहते हैं, अभय चौटाला से जीतते हैं रूपाना खुर्द गांव से। रूपावास गांव की अगर बात करें तो 1183 वोट जो है वो अभय चौटाला को मिलते हैं, 766 वोट जो है वो गोविंद कांडा को मिलते हैं, 298 वोट पवन बेनीवाल को मिलते हैं और 417 वोटों से अभय चौटाला गोविंद कांडा से आगे रहते हैं रूपास गांव के अंदर। शाहपुरिया गांव की अगर बात करें तो शाहपुरिया गांव से 984 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 594 वोट जो है वो गोविंद कांडा को मिलते हैं, 145 वोट पवन बेनीवाल को मिलते हैं और 390 वोटों की बढ़त अभय चौटाला को इस गांव से गोविंद कांडा से मिलती है। शक्कर मंदोरी गांव की अगर बात करें तो शक्कर मंदोरी वो गांव है जिसमें विरोध करने के लिए कांडा बंधुओं का महिलाएं काले सूट डाल करके और काले झंडे हाथ में लेकर के महिलाएं बाहर आई थी शक्कर मंदोरी गांव के अंदर। उस गांव की अगर बात करूं तो 903 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 763 वोट जो है वो गोविंद कांडा को मिलते हैं, 172 वोट पवन बेनीवाल को मिलते हैं। यानी कि जिस गांव के अंदर महिलाएं विरोध कर रही थी उस गांव से अभय चौटाला केवल 140 वोटों से आगे रहते हैं, 140 वोटों से विजयी होते हैं। बहुत चिंता का विषय है क्योंकि पूरे एलनाबाद के 76-77 गांव होंगे उनमें से केवल अकेला गांव शक्कर मंदोरी था जिससे महिलाएं जो है वो काले सूट डाल करके और काले झंडे हाथ में लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाती हुई हमें दिखाई दी थी। इसके बाद अगर बात करूं
तो शेखू खेड़ा से 188 वोट अभय चौटाला को मिलते हैं, 80 वोट गोविंद कांडा को मिलते हैं, 137 वोट जो है वो पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 51 वोटों से अभय चौटाला पवन बेनीवाल से आगे रहते हैं, पवन बेनीवाल यहां पे दूसरे नंबर पे रहते हैं। तो गोविंद कांडा और अभय चौटाला के वोटों का मार्जिन जो है वो 108 वोटों का रहता है, अभय चौटाला 108 वोटों से आगे रहते हैं। तलवाड़ा खुर्द की बात करें तो 1451 वोट जो है वो अभय चौटाला को मिलते हैं और 1779 वोट पवन गोविंद कांडा को मिलते हैं, 476 वोट पवन बेनीवाल को मिलते हैं, 328 वोट जो है 328 वोट से गोविंद कांडा जो है वो इस गांव से आगे रहते हैं, तलवाड़ा खुर्द गांव से 328 वोट जो है वो अभय चौटाला से गोविंद कांडा जो है वो लीड लेते हैं। अब अगर बात करें तरकावाली वो गांव है, मीनू बेनीवाल काफी नाम सुना होगा, काफी जद्दोजहद लगातार कर रहे थे, तो तरका वाले गांव से क्या कुछ रुझान आए हैं वो आपको बता देना चाहूंगा। 599 वोट अभय चौटाला को मिले हैं, 784 वोट जो है वो गोविंद कांडा को मिले हैं, 17 वोट केवल जो है वो पवन बेनीवाल को मिले हैं और 185 वोटों से गोविंद कांडा जो है वो यहाँ से आगे रहे हैं, लीड मिली है अभय चौटाला से गोविंद कांडा को। थेड मिर्जापुर की बात करें तो 132 वोट अभय चौटाला को मिले हैं, 23 वोट जो है वो गोविंद कांडा को मिले हैं, 159 वोट पवन बेनीवाल को मिले हैं, यानी कि पवन बेनीवाल यहां पे पहले स्थान पे रहे हैं, 103 वोटों का अभय चौटाला और पवन बेनीवाल के वोटों का अंतर है। अब अभय चौटाला और गोविंद कांडा के वोटों का अंतर की बात करें तो 229 वोटों का है, 229 वोटों से अभय चौटाला गोविंद कांडा से यहाँ पे विजयी रहते हैं। अब अगर बात करूं तो टाउन एलनाबाद में 5326 वोट जो है वो अभय चौटाला को मिलते हैं, 10866 वोट गोविंद कांडा को मिलते हैं, 1306 यानी कि 1306 वोट जो है वो पवन बेनीवाल को मिलते हैं और 5560 वोटों की बढ़त यहां पे गोविंद कांडा को मिलती है एलनाबाद टाउन से, यानी कि 5560 वोट जो है वो अभय चौटाला से गोविंद कांडा ज्यादा लेते हैं। अब अगर बात करूं तो उम्मेदपुरा की, तो उम्मेदपुरा से 571 वोट जो है वो अभय चौटाला को मिलते हैं, 481 वोट गोविंद कांडा को मिलते हैं, 260 वोट जो है वो पवन बेनीवाल को मिलते हैं और 90 वोटों की बढ़त अभय चौटाला की गोविंद कांडा से यहां पे अभय चौटाला को मिलती है। तो अब अगर बात करूं तो टोटल अभय चौटाला को 65,897 वोट, गोविंद कांडा को 59,189 वोट और पवन बेनीवाल को 20,857 वोट एलनाबाद उपचुनाव 2021 में मिलते हैं। इन तीनों के अगर टोटल वोट बताना चाहूं तो 1,45,943 वोट जो है वो इन तीनों कैंडिडेट को मिलते हैं। उसके बाद टोटल पोलिंग 1,51,000 के समथिंग जो है वो हुई थी, तो उनमें से ये घटा लीजिएगा, बाकी जो वोट है वो इंडिपेंडेंट या दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी जो थे उनको मिलते हैं। अब अभय चौटाला और पवन बेनीवाल के वोटों का मार्जिन अगर मैं आपको बताना चाहूं तो 45,040 वोट जो है वो पवन बेनीवाल से ज्यादा वोट जो है वो अभय चौटाला को मिले। अब अगर अभय चौटाला और गोविंद कांडा के वोटों का मार्जिन आपको बताना चाहूं तो 6,708 वोटों से अभय चौटाला जो है वो गोविंद कांडा से आगे रहे, यानी कि अभय चौटाला 6,708 वोटों से जीते हैं, एलनाबाद उपचुनाव भी अभय चौटाला ने जीत लिया है। अब अगर गोविंद कांडा और पवन बेनीवाल के वोटों का अंतर अगर आपको मैं बताना चाहूं तो 38,332 वोटों का मार्जिन जो है वो रहता है, यानी कि गोविंद कांडा पवन बेनीवाल से 38,332 वोट ज्यादा लेते हैं। अब अगर बात करूं पिछले चुनाव की, अगर बात करूं तो अभय चौटाला को 56,000 वोट मिले थे,
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पवन बेनीवाल थे उनको 46,000 कुछ वोट मिले थे, और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करूं तो भरत सिंह बेनीवाल थे उनको 35,000 कुछ वोट मिले थे। अगर बड़े तौर पर मैं आंकलन लगाना चाहूं तो इस चुनाव में अभय चौटाला को 65,000 वोट मिलते हैं और गोविंद कांडा को 59,000, भारतीय जनता पार्टी को पवन बेनीवाल को 20,000 वोट मिलते हैं। तो अभय चौटाला 9,000 वोट जो है वो पिछले चुनाव के बजाय इन चुनाव में ज्यादा लेते हैं, ज्यादा मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो 13,000 से भी ज्यादा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव के बजाय इन चुनाव में ज्यादा मिले हैं। अब अगर कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस को 15,000 वोटों का नुकसान इन उपचुनाव में हुआ है, क्योंकि 35,000 के लगभग जो वोट भरत सिंह बेनीवाल को मिले थे और इस बार पवन बेनीवाल जो है वो 20,000 वोटों पे सिमट के रह गए। तो 15,000 वोटों का एक मोटा मोटी अगर आइडिया बताना चाहूं तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। 9,000 वोटों का इजाफा अभय चौटाला को हुआ है, 13,000 वोटों का इजाफा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है और 15,000 वोटों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। तो ऐसे में देख लीजिएगा कि किसान आंदोलन कहां पे खड़ा हुआ है, एलनाबाद विधानसभा में कहां पे स्टैंड कर रहा है, किसान आंदोलन का कितना प्रभाव है, ये बात जो है वो आप इस इन चुनावी नतीजों से, इन परिणाम से आप बखूबी इस बात का अनुमान जो है वो लगा सकते हैं। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप कौन से गांव से हैं, आपको क्या अनुमान लग रहा था वो भी जो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, अपने गाँव का अनुमान बता दीजिएगा, आसपास के गाँव का अनुमान अगर आप बताना चाहें तो वो बता दीजिएगा, और एलनाबाद विधानसभा का अगर आप अनुमान आपको लगाया था आपने तो वो भी जो है वो बता दीजिएगा कि आपको क्या लगता था और क्या हुआ, कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।